नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। ईडी और सीबीआई का दावा है कि लालू यादव और उनके बेटे बेटियों के खिलाफ घोटाले के ठोस सबूत मिले हैं। इस पूरे मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि 2017 में भी रेड हुआ था, उसके बाद हम महागठबंधन से अलग हो गए थे, 5 साल बीत गया और अब हम एक साथ आ गए हैं तो फिर से रेड हो रहा है, इस पर अब मैं क्या बोल सकता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिनके खिलाफ समन जारी हुआ है वो जवाब दे ही रहे हैं, कहीं पर कुछ होता है उस पर हम प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियर साइंस में पब्लिश स्टडी के मुताबिक 15 मिनट तक सोशल मीडिया को इग्नोर करने से सर्दी, फ्लू, मौसा और वेरुका सहित इम्यून फंक्शन में औसतन 15% सुधार देखा गया। स्टडी ने यह दावा किया है कि इससे नींद की गुणवत्ता में 50% सुधार हुआ है और 30% कम डिप्रेशन देखा गया है। खड़गे ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास कर रही है। खड़गे ने कहा है कि जब देश से भगौरे करोड़ों लेकर भागे तब मोदी सरकार की एजेंसियां कहां थी, जब परम मित्र की संपत्ति आसमान छूती है तो जांच क्यों नहीं होती है। इस तानाशाही का जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा है कि पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बैठा रखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक अपेक्षाकृत युवा संस्थान और यह भारत की सांस्कृतिक एकता का जीवंत प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महिला शोधार्थियों की संख्या इस समय संस्थान में पुरुषों से अधिक है, यह सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जमीन के बदले नौकरी मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के कारण सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार शुक्रवार को ईडी के छापे के बाद उनकी पत्नी राजश्री यादव की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने देशों से नमक का सेवन कम करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने का आह्वान किया, जिससे दिल की समस्या, स्ट्रोक और कैंसर के खतरे को रोका जा सके। सोडियम सेवन में कमी पर अपनी तरह की पहली वैश्विक रिपोर्ट में वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने कहा है कि दुनिया 2025 तक सोडियम सेवन को 30% कम करने के अपने वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऑफ ट्रैक है। आरजेडी और बिहार में महागठबंधन में साझेदार जदयू ने लालू यादव पर केंद्रीय एजेंसियों की इस तरह की कार्रवाई पर इसे विपक्षी दलों को परेशान करने का एक हथियार बताया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि बीजेपी सीबीआई ईडी जैसी संस्थानों के चरित्र को धूमिल कर रही है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ छापेमारी में केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी किसी और की पटकथा का अनुसरण कर रही है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ छापे बिहार में पिछले साल अगस्त में सरकार बदलने की प्रतिक्रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यहां लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री मांड्या में प्रमुख सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वह करीब 3:15 बजे हुबली धारवाड़ में विभिन्न विकास पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने ललन सिंह को आईना दिखाते हुए कहा कि मार्च 2009 में IRCTC घोटाले का खुलासा करने और सबूत जुटाने वाले ललन सिंह को शर्म आनी चाहिए। 2009 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इसी बीच IRCTC घोटाले मामले में काफी तेज गति से प्रगति हुई। लालू यादव को फंसाने वाले ही आज उनके शुभचिंतक बन रहे हैं। निखिल आनंद ने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ बोल कर ही इनकी राजनीति चलती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने एक ट्वीट में जानकारी दी कि यात्रियों को ज्यादा सामान के साथ यात्रा नहीं करना चाहिए, सीमित सामान के साथ ही सफर करें ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। रेलवे के नियम के मुताबिक किसी भी ट्रेन में अधिकतम 40 से 70 किलो का सामान लेकर ही यात्री सफर कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा सामान लेकर कोई भी सफर करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट में किस तरह से और सुधार किया जा सकता है इस पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हाल ही में तुर्की और सीरिया में भारतीय दल के प्रयासों को पूरी दुनिया ने सराहा है, ये बात हर भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि केंद्र सरकार भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद से निपटने के लिए समर्थ रूप से सक्षम है और उसके तहत आधारभूत ढांचे के विकास पर अधिक बल दे रही है। पूर्वोत्तर राज्य में आधारभूत ढांचे खास तौर पर से सीमाओं को जोड़ने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। 2000 किलोमीटर लंबे अरुणाचल सीमावर्ती राजमार्ग के कुछ भाग पर काम पहले से ही शुरू हो चुका है। 13,07,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद सेला सुरंग के निर्माण के लिए काम तेजी से जारी है। टाटा स्टील द्वारा भारतीय रेलवे के साथ हस्ताक्षरित एक नए समझौते के अनुसार 200 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करने की संभावना है। हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार टाटा स्टील एक वर्ष में देश की सबसे तेज और सुविधा संपन्न वंदे भारत एक्सप्रेस की 22 ट्रेनों का निर्माण करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस में फर्स्ट AC से लेकर
थ्री टायर कोच तक की सीटों का निर्माण अब टाटा स्टील करेगी। ट्रेन के लिंके हॉफमैन बुश कोच यानी LHB कोच बनाने का ठेका भी कंपनी को दिया गया, जिसके तहत पैनल विंडो और रेलवे के स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने हम अडानी के हैकॉन सीरीज के तहत फिर पीएम मोदी से गौतम अडानी पर 3 सवाल पूछे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवालों को सेट जारी करते हुए कहा है कि प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसा कि आपसे वादा था, हम अडानी के हैकॉन श्रृंखला में आपके लिए 3 प्रश्नों का 26वां सेट प्रस्तुत है। आज हम इस मुद्दे पर आपसे जवाब मांग रहे हैं कि कैसे आपने अपने पसंदीदा व्यापारिक समूह को एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी देश श्रीलंका पर थोपने का प्रयास किया है। हालांकि अब तक अडानी पर पूछे गए एक भी सवाल का जवाब पीएम मोदी या सरकार ने नहीं दिया है। भाजपा के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। भाजपा के विदेश में राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया। इस बयान को लेकर सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की। इसके आगे उन्होंने कहा है कि पीएम विदेशी धरती पर कांग्रेस पर हमला बोले हैं और उसी समय मोदी को सोचना चाहिए था। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा ने पंजाब की मौजूदा स्थिति को चिंताजनक करार दिया है। अलका लांबा ने कहा है कि राहुल गांधी की बात सच साबित हो रही है कि पंजाब में प्रयोग न करें, वह एक बेहद संवेदनशील राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति निरंतर खराब होती जा रही है। पंजाब में आतंक का दौरा फिर से सिर उठाने लगा है। हमने अपने पूर्व सीएम बेअंत सिंह की शहादत दी है। तमाम नेताओं ने बलिदान दिया है, चिंता की बात है। इसके साथ साथ उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि पिछले 2 दशकों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आए गैर भाजपाई नेताओं का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। जांच एजेंसियों के फेर में केवल राज्यों के कुछ ही नेता नहीं बल्कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, मायावती, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता से लेकर अनेक विपक्षी नेता आ चुके हैं। इनमें से कौन फंसेगा और कौन बचेगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अभी किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है। किसी के पास पूछताछ के लिए समन जा रहा है तो कोई सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पाकिस्तान में स्कूल की किताबें हिंदू और भारत विरोधी भावनाएं फैला रही है। 8वीं और 9वीं के इतिहास की किताबें भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरत से भरी हुई है। यहां गौर करने वाली बात यह कि इन किताबों को पाकिस्तान के बेहतरीन एजुकेशनल एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया है। इन किताबों को नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा पब्लिश किया गया है। इसने किताबों से कुछ सैंपल तस्वीरों को भी शेयर किया जिसमें भारत विरोधी चीजों को देखा जा सकता है। भारत में स्ट्रोक के कारण हजार कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 1,85,000 स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं, जिसका मतलब है कि हर 40 सेकंड में लगभग एक स्ट्रोक का केस दर्ज होता है और 4 मिनट में एक मौत स्ट्रोक की वजह से हो जाती है। भारत के लिए ये आंकड़े चिंताजनक है क्योंकि स्ट्रोक से न सिर्फ मौतें बल्कि विकलांगता का भी खतरा होता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद के प्रिविलेज कमेटी के सामने मांग की कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए। मीडिया के मुताबिक दुबे ने समिति के सामने कहा कि ईडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए पीएम मोदी का नाम बिना किसी साक्ष्य के बदनाम करने देश की छवि पर आघात है। बीजेपी सांसद ने कहा कि अपने 50 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने 75 बार अडानी का नाम लिया, इससे यह समझा जा सकता है कि वो उस बात के लिए किस कदर बेचैन थे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार राहुल गांधी को हिंडनबर्ग अडानी मामले में पूछताछ के लिए प्रिविलेज समिति अगले हफ्ते बुला सकती है। नागर विमानन महानिदेशालय ने स्पाइसजेट के 2 बोइंग 737-800 विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया। इस बीच कंपनी ने कहा है कि इन विमानों को सहमति के साथ लौटाया जा रहा है। स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने कहा है कि 2 विमानों की वापसी से उनके परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नियामक की वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार DGCA ने क्रमशः 6 और 9 मार्च को VTSJK और VTSYA को पंजीकृत कर दिया। भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं में इजाफा होगा। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 667 करोड़ रुपए की लागत से वायुसेना के लिए 6 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना इस विमान का इस्तेमाल रूट ट्रांसपोर्ट रोल और कम्युनिकेशन ड्यूटी के लिए कर चुकी है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर एक तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हाल ही में हुई कैंपस की यात्रा के बाद यूनाइटेड किंगडम की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में फिसल कर नीचे गिर गई है। इन दावों को लेकर द गार्डियन समाचार रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट को शेयर किया जा रहा है। फैक्ट चेक में यह बात पता चला है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग तालिका में गिरावट के बारे में रिपोर्ट सही है, लेकिन द गार्डियन समाचार की रिपोर्ट पुरानी और यह मामला राहुल गांधी के हाल में हुई यूनिवर्सिटी यात्रा से जुड़ा नहीं है। मशहूर फिल्म एक्टर सतीश कौशिक की अचानक मौत से सभी सदमे में। सतीश कौशिक दिल्ली में एक फार्म हाउस पर पार्टी कर रहे थे, उसी वक्त उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 9 मार्च को उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में सतीश कौशिक की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई थी, लेकिन पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस को फार्म हाउस से आपत्तिजनक दवाओं के पैकेट मिले हैं। अब पुलिस जांच कर रही है कि कहीं इनका संबंध सतीश कौशिक की मौत से तो नहीं है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र पाया है। सीएम ने कहा है कि सम्मान ने दुनिया में देश का मान बढ़ाया। बता दें कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा फुली सीटेड मैदान है। इसमें करीब 20,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाल में एक पॉडकास्ट में कोहली ने अपने सफर को लेकर बात की। पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि पिता की मौत के बाद चीजों को देखने का उनका नजरिया बदला था, मगर उनकी जिंदगी नहीं बदली थी। पिछले कुछ सालों में क्रिकेट में विराट कोहली का कद काफी बढ़ा, बुरे दौर से निकलकर वो किंग बने, अपनी फिटनेस पर काम किया। उन्होंने अपने करियर में कई दौर देखे मगर उससे उनकी जिंदगी नहीं बदली। अनुष्का शर्मा से मिलना कोहली के लाइफ का लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं या आज कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए। भारतीय रेलवे के अनुसार रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम 5 घंटे के लिए बंद हो जाएगा, यानी रिजर्वेशन सिस्टम 11 मार्च की रात 11:45 से 12 मार्च की सुबह 4:45 तक काम नहीं करेगा। इस दौरान टिकट बुकिंग समेत अन्य कई तरह की सेवाएं बंद रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम डेटाबेस कंप्रेशन के लिए बंद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी के 50 साल बाद भी देश में आपदा प्रबंधन को लेकर कोई कानून नहीं था, और यह गुजरात ही था जिसने सबसे पहले 2001 के इस पर कानून बनाया था। बता दें कि प्रधानमंत्री ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करते हुए यह बात कही है। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सांसद आर ध्रुव नारायण का 11 मार्च की सुबह 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ध्रुव नारायण के निधन पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि पूर्व सांसद आर ध्रुव नारायण के इस तरह निधन से दुखी हूं। वह एक मेहनती थे और विनम्र जमीनी नेता थे, वह सोशल मीडिया जस्टिस के चैंपियन थे। उन्होंने कहा कि उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी क्षति है, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। कोरोना वायरस को आज 3 साल हो चुके हैं। पहली बार किसी चिड़ियाघर के जानवर से इंसान में यह वायरस फैला है। अमेरिका के इंडियाना चिड़ियाघर में एक बूढ़ा सिर कोरोना संक्रमित था। उसका ख्याल रखने वाले चिड़ियाघर कर्मी उसे हाथ से खाना खिलाता था, इस दौरान उसे कोरोना संक्रमण हो गया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी बंद जगह पर मौजूदा जानवर से किसी इंसान को कोविड-19 बीमारी हुई है। स्टडी में यह बात स्पष्ट की गई है कि ऐसे संक्रमण का होना दुर्लभ है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रविशंकर, महमूद अंसारी, नुनू गोलू कुमार, एमडी साकिर हुसैन, एमडी नौसाद रजा, अर्जुन राम, कुशलेंद्र कुमार सर, अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी यात्रा का पसंदीदा माध्यम कौन सा है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।